अस्सलामुअलैकुम, खैरियत करता हूँ आप सब, उम्मीद से होंगे। हाँ तो भाई, हम लोग कराची पहुंचे हैं और उड़ती उड़ती खबर आई कि पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया है। तो इस पे मेरे जहन में एक शेर आ रहा है कि दुनिया चढ़ गई चांद पे और पाकिस्तान भी चढ़ गया चांद पे। तो भाई, हम पब्लिक में आ चुके हैं, पब्लिक में आके पूछते हैं लोगों से कि इसके बारे में लोगों का क्या रिव्यू है, क्या लोगों के इस बारे में लोग क्या कहते हैं। चलिए हमारे साथ। अस्सलामुअलैकुम भजन, आपको पता है पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया? पता है आपको? नहीं पता आपको? मुझे अपने घर जाना है। आप पाकिस्तान में नहीं रहते? पाकिस्तान में रहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान पहला इस्लामिक मुल्क बन गया और चौथा मुल्क ऐसा कि पाकिस्तान चांद तक पहुंच गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैमरे में देख के बता दें। मैं क्या कहूँ? कुछ भी कह दें। क्या करते हैं आप? मैं कबार का काम करता हूँ। अगर आपको वहाँ पे कबाड़ की दुकान लगा के दी जाए चांद पे, आप करना चाहेंगे काम? हमारे को इतना समझ में नहीं आती। अच्छा, हाँ, कारोबार में इतना समझ में नहीं आती। जैसे ठेला वेला चलाता हूँ, बस सही है। ठेला चलाता हूँ, कबाड़ शबाल लेता हूँ। जैसे आपकी पाकिस्तान की मतलब आपको अगर लेके जाए पाकिस्तान चांद पे लेके जाए, आपकी ख्वाहिश है? नहीं यार, नहीं है। माँ बाप से पूछूंगा तो पता लगेगा ना। घर वाले से पूछोगे? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुना, कैसे? आपको पता है पाकिस्तान चांद से पहुंच गया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? भाई क्या करें, पाकिस्तान ने हमसे मुआवजा किया था, हमसे पैसे लिए हुए थे, बोला आपको लेके जाएंगे चांद पे, आपको वहाँ पे चाय की दुकान खोलनी है। अच्छा, हमने आपसे मुआवजा किया था पाकिस्तान ने? कितने पैसे लिए आपसे? मेरे से तो 2 लाख रुपए लिए हैं। किस बात के लिए? वो उन्होंने मेरे से मसवा ली हुई है, बोला आप मेरे ऐसे नहीं बोला था, चांद पे मेरे को दुकान खोल दी चाय की होटल। आपको कहा था कि आपको लेके जाएंगे, आपको चांद की चाय की दुकान खोल के देंगे, आपको लेके नहीं गए? नहीं लेके गए। क्यों नहीं लेके गए? क्या पूछ क्या? वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आप चैनल उधर उधर देखे, उधर कैमरा लगा हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान की हुकूमत के लिए? नाइंसाफी हुई है ये, मेरे से नाइंसाफी हुई है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, उनको बोले वापस आए और मुझे चांद पे वापस लेके जाए। आपको पता है पाकिस्तान चांद पे पहुंच गए? जी सर। क्या आप? लेकिन आप यहाँ पे खेती क्या कर रहे हो? सर हम तो अपनी शबनम का वेट कर रहे हैं। शबनम? शबनम का वेट क्यों कर रहे हो? सर उन्होंने कहा था मेरे बगैर आप चांद पे नहीं जा सकते, चाहते हो मुझे साथ लेकर जाना। बस यार तीसरा दिन हो गया, तनवीर चांद पे चला गया, बड़ा आदमी बन गया, कॉल भी नहीं कर रहे। चलो हम ही करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम जानी, कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, तू सुना भाई, क्या चल रहा है चांद पे? बस यार मत पूछ। क्या हुआ? अबे यार यहाँ पे सीन क्या हुआ है यार? क्या हो गया? यार वो चांद फतेह अली खान नहीं है। अच्छा, लेके आ गए कवाली कॉन्सर्ट के लिए, वो सारा खाना खा गया यार, भूख लग रही है बहुत टाइट वाली। अच्छा फिर? हाँ यार, फूड पांडा से भिजवाऊं खाना वाना कोई? अबे कोई राइडर मैडर आ रहे तो या फिर कोई और फूड पांडा से ऑर्डर मार्डर कर देना। डिलीवरी चार्जेस ज्यादा लगेंगे यार। अबे छोड़ यार डिलीवरी चार्जेस को, मिट्टी भी नहीं है, मिट्टी खा ले, हवा में उड़ रहे, हवा खा रहे हम लोग यार। हवा खा रहे तो नीचे मिट्टी वट्टी खा लेना। अबे नीचे जाने नहीं दे रहे। क्यों? वो कह रहे कि पाबंदी है, एक हफ्ते बाद जाएंगे नीछे। क्यों पाबंदी है? बस यार बस छोड़ उस बात को। अच्छा। पाकिस्तान में कैसा क्या हालात है? छोड़ यार, पाकिस्तान नहीं आ तो अच्छा है। क्यों क्या हुआ? बहुत गर्मी है यार, तू उधर सूरज के पास पहुंचा हुआ है, सूरज से कोई सेटिंग वेटिंग चला ना, कोई उसको बोल ठंडा हो। अबे मैं जानता हूँ ना, सूरज तो 2-3 किलोमीटर दूर है मेरे से, बात कर लूंगा थोड़ी गर्मी कम कर देगा। अच्छा अब ये बता, जादू से मिला? अबे जादू तो यहाँ पे डेली ब्लॉगर है। अच्छा। हाँ ना, बीवी भी दिखा रहा होता है अपनी यहाँ पे। बीवी कैसी है उसकी? अबे बस बेकार है, दाने मायने कराती है? नहीं, मुंह शक्ल उसकी ऐसे नहीं हो, गेंडा होता, गेंडे की शक्ल है उसकी। मतलब वहाँ पे भी ऐसे ही घूम रहा है सिंगल? चल मैं करता हूँ तेरे लिए खाने पीने का कुछ, ठीक है? भिजवा, बहुत टायर भूख लग रही है यार। ठीक है ठीक। ओके यार, मैं तो इधर ही ठीक हूँ फिर, इसके तो वहाँ चांद पे भी जाके रोने धोने नहीं खत्म हो रहे। नहीं पे ठीक है उम्र, कुछ सो जा सुकून से।